Yes, come in. नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए अजीत जी, बैठिए। थैंक यू। अजीत कुमार पारीख उदयपुर से। जी सर। ये फोल्डर आप मुझे दे दीजिए या यहीं रख लीजिए साइड में। आप उदयपुर से हैं, आपने बीएससी किया है? जी सर। कौन से सब्जेक्ट में किया है? सॉरी, वापस बोलेंगे? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय होता है, और उसका कॉलेज जहाँ से आपने ये कोर्स किया है वो किस नाम से है? वो लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट। अच्छा, आप चाहें तो मास्क हटा सकते हैं। आप आरएस का ये थर्ड अटेम्प्ट है आपका? जी सर। पहले आप इंटरव्यू नहीं दिया है आपने? नहीं सर। फर्स्ट टाइम है इंटरव्यू का? जी सर। अभी आप जॉब में हैं? जी सर। किस में है? प्राइवेट जॉब। किस पोस्ट पे हैं? मैं प्रोडक्शन मैनेजर की पोस्ट पे हूँ, पाई इंजीनियरिंग हेल्थ केयर कंपनी। पाई? पाई हेल्थ। ये बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है सर? बायोटेक्नोलॉजी विषय जिसके अंदर हम जीव विज्ञान के सिद्धांतों और रसायन विज्ञान के रसायनों तथा तकनीकी इंजीनियरिंग की तकनीकों का प्रयोग करते हुए मानव उपयोगी उत्पाद बनाते हैं, उसको बायोटेक्नोलॉजी। इसका अभी कुछ करंट में कोई मुद्दा चल रहा है क्या सर? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम वैक्सीन प्रोडक्शन का चल रहा है। इसके अलावा राजस्थान सरकार के द्वारा जैव प्रौद्योगिकी नीति 2016 निर्धारित की गई, जिसके अंतर्गत मिट्टी की जो फसल होती है उसकी अनुमति और उस पर रिसर्च का प्रावधान है। तो अभी ये वैक्सीन में आपने देखा है कि कुछ विवाद उभर कर आया है, जिसमें कुछ देशों ने जो है प्रतिबंध भी लगाए हैं। ऐसे कौन से ये विवाद के कारण रहे हैं? और मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये प्रतिबंध शायद भारत में नहीं लगा है, तो ऐसे कौन से कारण हैं कि वहाँ पर प्रतिबंध लगा है, हम नहीं लगा रहे हैं? सर, भारत की कंपनी अहमदाबाद की जिसकी जायडस टी करके वैक्सीन है, उसको फ्रांस और यूरोपीय देशों ने प्रतिबंध लगाया। उसके जो पोस्ट कोविड जो रिएक्शन है, वैक्सीन लगाने के बाद के जो दुष्प्रभाव है जिसमें खून का थक्का जमता है, उसको देखते हुए उन्होंने प्रतिबंध लगाया। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपके सब्जेक्ट का अब जो आपने आरएस फील्ड को चूज किया है उसमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है? ये आपका टेक्निकल लाइन है और इधर हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे डायरेक्टली पब्लिक को, तो इसका सब्जेक्ट का भी आपका कोरिलेशन नहीं हो रहा है, आप इसमें आना क्यों चाह रहे हैं? सर, जो आरएस है वो मुख्यतः 37 जो सर्विसेज है उसमें अपना सर्विस देना होता है, जिसमें कृषि और चिकित्सालय आदि विभाग भी होते हैं, जिनमें बायोटेक्नोलॉजी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके अंतर्गत हम जो कृषि में जो नवाचार होते हैं, कृषि फसलों को लेकर, मृदा को लेकर तथा जो चिकित्सालय में जो वैक्सीन है उसको विपणन को कोई दो कारण बताओ जिसके कारण से बायोटेक्नोलॉजी को लेकर आप आरएस में आओगे तो प्रशासन को फायदा होगा। सर, मैं चिकित्सा विभाग और कृषि विभाग में अपना योगदान दे दूंगा, जिससे प्रशासन को फायदा होगा। दूसरा सर, ये मेरा जो मुख्य जो गोल है जिसमें मैं आरएस बनना चाहता हूँ उसको पूरा करें। ये तो आपका व्यक्तिगत हो गया। जी सर। इससे प्रशासन को क्या फायदा होने वाला है? सर, हमारे जो संविधान है उसमें व्यक्तिगत और सामूहिक जो उन्नति है उसको प्रमुख स्थान दिया गया, तो मैं भी इसी तरफ अग्रसर हूँ। अच्छा, व्यक्तिगत और सामूहिक उन्नति के लिए आपका सिलेक्शन करते हैं हम? जी, ताकि मैं सामूहिक उन्नति में अपना योगदान दे सर। अजीत कुमार जी, आप बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं ना, समाज के लिए अगर काम करना है तो, फिर भी मैं मानता हूँ कि आप अखबार जरूर पढ़ते होंगे,
तो कोई ऐसी घटना जिससे कि आप, कोई ऐसी सामाजिक घटना या सामाजिक खबरें जो आपको विचलित कर देती हैं, वो कौन सी हैं? सर अभी हालिया में जो अखबारों की जो खबरें हैं उनमें भ्रष्टाचार को लेकर कुछ मुद्दे उभ रहे हैं। इसके अलावा जो बालिका जो उत्पीड़न है उनके केस आए जो मुझे थोड़ी विचलित कर देती है। लेकिन हमारी जो वर्तमान में जो प्रशासन और सरकार जो पुलिस है उन्होंने अपने सहयोग से नए विचार पेश किए हैं, जिसके अंतर्गत उन्होंने फास्को एक्ट के अंदर जो कार्रवाई है उसको तब्दील किया है और जो अपराधी है उसको अंजाम तक पहुँचाया है। आपको लगता है कि ज़्यादातर संख्या ऐसे लोगों की है जिनको इस तरह से कार्रवाई हो जाती है और अंजाम तक पहुँचाते हैं, या ज़्यादातर संख्या ऐसे लोगों की है जो पुलिस तक जाते ही नहीं है, केस होते ही नहीं है? आपके विचार से क्या है दोनों में सही बात? सर अगर हम तथ्यों पर ध्यान दें तो जो FIR जो दर्ज हुई है वो लगभग 2800 जो केस है वो अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है और उसमें से कुछ ही गिने चुने 100-150 केस ही मतलब अपने अंजाम तक पहुँच पाए। तो इसमें यह है कि बहुत सारे केस पेंडिंग है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ तक जा ही पाती है अंतिम अपने न्याय की तरफ। हाँ, लेकिन ये जो पेंडिंग है उसकी संख्या ज़्यादा है और वो भी वो वाले केस आप बता रहे हो जो रजिस्टर्ड हैं। अनरजिस्टर्ड केस भी होते होंगे जहाँ पे जो लोग जाते ही नहीं है पुलिस तक, क्या कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन वहाँ शोषण तो है, हिंसा तो है ना, वहाँ पे भी एक्सप्लॉइटेशन तो है, तो उसकी संख्या इनकी अपेक्षा ज़्यादा है या कम है और उसके लिए क्या करना चाहिए अपने को? सर मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि उनकी संख्या का प्रावधान नहीं है, कहीं ऐसा कोई रिकॉर्ड में तो नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब जो वर्तमान में जो परिप्रेक्ष्य चल रहा है उसके आधार पर ये माना जा सकता है कि उनकी केस संख्या ज़्यादा है और इसके लिए हमें जो ग्रास रूट है पारिवारिक स्तर और सामाजिक स्तर पर इसकी जागरूकता फैलानी चाहिए और ऐसे एरिए जहाँ पर ये घटनाएँ बार बार हो रही हैं उनको चिन्हित करके उनके लिए विशेष योजना और प्रावधान करना चाहिए। तथा जो सरकार ने जो समय समय पर जो इसके नियम और कानून बनाए हैं उनको भी जनता में जागरूक करना चाहिए ताकि जो पीड़ित है वो अपनी कानूनी सहायता प्राप्त कर सके तथा अपने अधिकार की दिलवा सके। कोई एक योजना बताओगे आप जो प्रभावी हो सकती है इसके लिए, जिससे कि बच्चों का शोषण रुक जाए? आपने नाम लिया ना, इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, कोई एक योजना चाहे वो गवर्नमेंट की हो या फिर आपके मन में हो कि आप ऐसा करना चाहते हो जिससे बच्चों का एक्सप्लॉइटेशन रुक जाए, उसके बारे में आप थोड़ी सी। सर एक योजना है बालिका से संबंधित जिसमें जो बच्चे हैं जिनके माँ बाप बहुत हो जाते हैं उनको अडॉप्ट किया जाता है जिसके द्वारा उनको समुचित शिक्षा मिलती है और वो फ्यूचर में जाकर क्योंकि माँ बाप का या अभिभावक का संरक्षण माँ बाप की जगह दूसरों का संरक्षण मिलता है उस संरक्षण पर वो जो इस तरह से उनकी घटनाएँ होती हैं उनको रोका जा सकता है। तो वो तो शेल्टर वाली बात हुई, वो तो इनको एक आश्रय मिलने वाली बात हुई है ना, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जो शोषण वाली बात है, जो गांव में रहते हुए घरों में रहते हुए शोषण हो रहे हैं उसको रोकने से संबंधित कोई योजना आपके दिमाग में है? सर मैं वर्तमान में तो नहीं निकल पा। अच्छा, कोई बात। सर अभी आपने महिलाओं से संबंधित बालिकाओं से संबंधित भी बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, पेपर में भी आए दिन उसी पे इश्यूज हो रहे हैं, पॉस्को एक्ट बार बार नाम आता है, क्या है पॉस्को? पॉस्को एक्ट के अंतर्गत जो भी बच्चे हैं जो 18 साल से कम उम्र हैं उनके साथ अगर जो रेप तथा जो उत्पीड़न की जो घटनाएं होती हैं उसके अंतर्गत इसमें कार्रवाई की जाती है और इसके लिए फास्ट ट्रैक अदालत पॉस्को अदालत का भी प्रावधान किया गया है ताकि उसमें केस की तत्वित सुनवाई हो सके और उनको अपना अधिकार मिल सके। अच्छा, जब दिल्ली में निर्भया केस हुआ था तो ऐसा कहा जा रहा है कि अब जो नाबालिग केस बॉयज़ में जो 18 इयर्स रखी हुई है उसको 16 इयर्स कर दिया जाए क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? मैडम वर्तमान में जो केसेस आ रहे हैं उनमें जो केसेस लगभग 16-17 एज के ज़्यादा हो रहे हैं तो सरकार ने हालिया में प्रस्ताव किया कि आप जो इनके एज है उसको 18 से 16 साल कर दी जाए ताकि जो इस तरह के केस है उन पर पॉस्को एक्ट में जो बच जाते हैं उनको भी हम इसके अंतर्गत लाया जा सके और पीड़ित को उसका अधिकार मिल सके, उसका मुआवजा मिल सके।
चलिए थोड़ा राजनीति पे आते हैं। अभी बहुत एक नाम चर्चा में है अमेरिका में, भारतीय जो मूल की महिला है, कौन है और किस पद पे है अभी? अमेरिका में हाल ही में जो चुनाव हुए थे उसमें उपराष्ट्रपति कमला जी चर्चा में है, वो भारतीय मूल से संबंधित है, वो वहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पहचानी जाती है। भारतीय मूल की है तो किस स्टेट की है इंडिया में? मैडम उनके जो मदर है वो तमिलनाडु से बिलोंग करती है। अजीत कुमार जी, आपके एड्रेस में आप एक लाइन है मोक्ष मार्ग। जी सर। मोक्ष से आप क्या समझते हैं? सर जब कोई भी व्यक्ति उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो अपने शरीर तो भगवान के चरणों में स्थान मिल जाता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ताकि इससे जो जन्म में जो वापस जो जन्म लेने का या मनुष्य रूप में या किसी भी रूप में जन्म लेने का जो सिलसिला है वो खत्म हो जाता है। आप ये मानते हो कि व्यक्ति का वापस जन्म होता है? सर मैं तो ऐसा नहीं मानता। आप नहीं मानते? अच्छा, अभी एक भारत में एक बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है जो 12 वर्ष में आयोजित हो रहा है कहीं, उससे संदर्भ में कुछ जानते हो? सर अगर मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ तो एक कुंभ महोत्सव है जी, जो हर 12 वर्ष में होता है और अभी हरिद्वार में चल रहा है। इसका वर्तमान के इस परिप्रेक्ष्य में जब सारा सोशल मीडिया की फैसिलिटी है, सारी चीज़ें नेट पर अवेलेबल है, उसके बावजूद क्या कुंभ की कुछ प्रासंगिकता है क्या? सर जो धार्मिक जो मेले होते हैं या प्रशासन कोई भी उत्सव या महोत्सव करता है उनको अर्थव्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जब इस तरह के बड़े आयोजन होते हैं तो उन पर बड़े स्तर पर रोजगार की संभावना बढ़ती है और अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है। आप मेले को कुंभ को आर्थिक दृष्टि से देखते हो, क्या भारतीय संस्कृति में इसका कुछ महत्व है क्या? सर भारतीय संस्कृति में ऐसा माना जाता है कि जो कुंभ का मेला लगता है वहाँ पर उस दिन गंगा स्नान करने से जो व्यक्ति है उसके पाप धुल जाते हैं। आप व्यक्तिगत रूप से कुंभ में जाना चाहोगे? सर बिल्कुल जाना चाहूँगा। तो अभी आप जाओगे तो एक तरफ तो वर्तमान में हाल ही में कोरोना का एक इतना बड़ा संक्रमण से देश गुजरा और वहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो क्या आपकी दृष्टि में इतनी भीड़ में जाना ठीक रहेगा? सर अगर हम अपना पूरा मास्क हैंड सैनिटाइजर और इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर हम गवर्नमेंट के जो निर्देश हैं उनको पालन करें हम वहाँ पर जाके तो ये संभव है और मैं उसी की पालना करके जाना चाहूँगा। एक अंतिम प्रश्न है मेरा कि आप प्राइवेट सेक्टर से इस प्रशासनिक सेवा में आना चाह रहे हैं, यहाँ पर कोई बहुत अच्छा काम करता है या नहीं काम करता है, महीने के अंत में सैलरी एक जितनी मिलती है, प्राइवेट सेक्टर में आप जितना ज़्यादा काम करोगे इंसेंटिव मिलेंगे, सारा कुछ मिलेगा, तो उसके बावजूद ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण आप इधर आकर्षित हो रहे हैं? सेक्टर में मैं जो काम कर रहा हूँ उससे मेरे को जो आर्थिक जो मेरी जरूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं, इसके अलावा जो मेरी उन्नति है वो भी अच्छी है, लेकिन प्रशासनिक सेवा में जो सेवा करने का और जो काम करने का जो दायरा है वो बढ़ जाता है और इसके अलावा जो हमें संसाधन है संसाधन जो योजनाओं के लिए चाहिए होते हैं वो पूरे मिलते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि अभी ज़्यादातर सरकारी अधिकारी हो चाहे जनप्रतिनिधि हो उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों में आप जैसे DPH जैसे स्कूल में पढ़ाते हो बच्चों को, तो दो बच्चों के ईयरली 2 लाख चाहिए, तो इतना तो एक सरकारी अधिकारी जो आपने कहा कि भ्रष्टाचार आपको अंदर से इरीटेट करता है, तो फिर इस फिक्स सैलरी में और अपने बच्चों के एजुकेशन के बीच में आप समन्वय कैसे स्थापित करोगे? सर हालिया में सरकार ने कुछ गवर्नमेंट स्कूल भी खोले हैं जिसमें महात्मा गांधी अंग्रेजी विश्व स्कूल है जिसके अंतर्गत बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में शिक्षा दी जा सकती है और बहुत सारे जो ग्रामीण और शहरी स्कूल हैं
वो अपने संस्था प्रधान के नेतृत्व पर हर साल अच्छा रिजल्ट देते हैं और वर्तमान में सरकार ने इसकी जो नामांकन है उसको देखते हुए जो महात्मा गांधी स्कूल है उनकी संख्या बढ़ा दी, तो ये कहीं ना कहीं हमें संकेत करता है कि अब जो प्राइवेट स्कूल में जो शिक्षा मिलती है उससे कई गुना अच्छी शिक्षा और बेहतर शिक्षा हमें सरकारी स्कूल में भी मिलने लगी। आपने भ्रष्टाचार का नाम लिया, भ्रष्टाचार आपकी नज़र में कैसी समस्या है? सामाजिक समस्या है, राजनीतिक है, आर्थिक है या नैतिक है? सर, भ्रष्टाचार की समस्या को हम किसी एक क्षेत्र से जोड़ना उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार की जो समस्या है वो व्यक्तिगत व्यक्ति आधारित होती है, परिवार से शुरू होती है, क्योंकि जो भी एरिया आप बताइए उसमें एरिया सामाजिक ज़्यादा मानेंगे या नैतिक ज़्यादा मानेंगे? सर, इसमें नैतिक एरिया सामाजिक एरिया ज़्यादा मानेंगे। आप प्रशासन में आएंगे तो अभी बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं सरकार के लेवल पे भी, प्रशासन के स्तर पे भी और समाज के स्तर पे भी। आप जब आरएस में आएंगे और हम आपको ये मानते हैं कि आपको एसडीएम लगाया जाएगा, आप भ्रष्टाचार के रोकथाम के लिए क्या प्रयास करेंगे? सर, भ्रष्टाचार को रोकथाम के लिए जो सामाजिक संगठन है उनमें हमें नैतिक जो शिक्षा है उनको बढ़ाने के उपाय को कैसे शामिल किया जाए इसके बारे में बात करनी होगी। इसके लिए जो सरकार की जो विभिन्न जो भ्रष्टाचार, ऐसी कोई दो बात बताइए जो अभी तक हो नहीं रही है और आप करना चाहोगे? सर, जो निचले स्तर पर जो जागरूकता है भ्रष्टाचार को लेकर वो, और जो इसके भ्रष्टाचार होने के बाद में इसकी जो कानूनी कार्रवाई है। आपको पता है कि अभी राजस्थान सरकार में इसके संदर्भ में एक कॉल नंबर भी जारी किया गया है, सामान्य नंबर, पता है वो क्या है? सर, 1064 है या 1068 है? 1064 कंफर्म? जी सर। चलो, अंतिम सवाल है मेरा, आज की तिथि क्या है? सर, 21 मार्च 2021। तिथि पूछ रहा हूँ मैं, सर माफ़ी चाहता हूँ। आज का टेम्परेचर बता सकते हैं? सर, माफ़ी चाहता हूँ। ओके, ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।